लाहौर में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। इसके इलाके सुंदर में ज्वेलरी शॉप में नकद जनी की वारदात हुई है। चोर 3 किलो सोना और 32 लाख रुपए नकदी ले उड़े। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद बताएगा ये क्या वाकया है। जी ये सुंदर की एक निजी सोसाइटी है और वहाँ पर ये ज्वेलरी शॉप थी और रात के अंधेरे में यहाँ पे कुछ चोर आए हैं और दुकान की साइड से उन्होंने दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ा और अंदर जाकर उन्होंने ग्रिल के साथ जो है ग्राइंडर था उसके साथ उन्होंने इसके सेफ काटे हैं और सेफ काट कर जो इनको 5.25 करोड़ मालियत के 3 किलो से जायद सोने के जेवरात और 32 लाख कैश था वो लूट कर वहां से फरार हो गए। और इस वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि ये चोर हैं और ये दुकान में दाखिल हुए हैं और जिस तरह ये दुकान में दाखिल हुए ये अब यहाँ पर दाखिल होकर सेफ काट रहे हैं और सेफ काटने के बाद तमाम जेवरात और नकदी लूट कर ये फरार हो गए हैं। पुलिस ने जो दुकान के जो मालिक थे ज्वेलरी की शॉप के जो मालिक थे उमैर अहमद उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक कोई भी मुलजिम इसमें गिरफ्तार नहीं हो सका और फोरेंसिक टीमों ने भी यहाँ से कुछ शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मजीद जो है तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए।